नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय खत्री। कहाँ से हैं आप? मंदरेला दिल्ली से। तो आप यहाँ आश्रम से जुड़े हुए हैं। आपको क्या, किसने बताया कि आप यहाँ पे आश्रम पे आए, गुरु जी से मिले? किस किसके थ्रू आप आए? ये 2015 जनवरी की बात है। हाँ जी। 2014 दिसंबर में मामा जी के लड़के लड़कियाँ, मामा जी के घर वाले जो हैं सभी वो यहीं पे आते थे। हाँ जी। तो मामा जी की लड़की ने बताया था हमें कि जी एक बार वहाँ होके आइए। उससे पहले मेरे को करीबन 2 साल हो गए थे घूमते हुए। जी मैं कोई ऐसा दर्द नहीं कि भाई मेहंदीपुर क्या, सालासर क्या, हर जगह गया था। जी जिसने जैसे बोला वो बताया। तो लास्ट टाइम पे सिर्फ यही बताया गया कि आप एक बार वहाँ पे चले। जी तो तब आया था। मेरी मिसेज को बड़ी प्रॉब्लम होती थी जी मेहंदीपुर वाला जी, आपको पता किस लिए जाया हाँ जाता जी हाँ है। जी तो जिस दिन आया था उसी दिन आके राम से बैठने के बाद उसकी समस्या उसी दिन का समाधान हो गया था। जी जो उसको प्रॉब्लम आ रही थी या कोई चीज़ थी, हाँ जी गुरु जी ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि मेरे कहने से क्या राम के नाम ले सकते हो हाँ जी। आप, वो लीजिए, समस्या मैं देखता हूँ। आपने फिर राम का नाम लेना शुरू किया, समस्या का समाधान हो देखिए गया। जी, मैं तो सिर्फ ये है कि दर्शन के लिए तो गुरु जी के पास आता जाता था। हाँ वहाँ जी राम के नाम लिए, जी परेशान होके लिए थे, जी लेकिन फिर लेते लेते जैसे आगे किसी को बताया जी तो इतना वो हुआ कि मैं धाम से ही जुड़ता चला गया। तो आज मेरे को 2015 से लेकर देख लीजिए 2023 तो तक। धार्मिक तो आप शुरू से थे, लेकिन आपको कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी किसी भी जगह से। नहीं, कहीं भी नहीं हुई थी। यहाँ पे आपको कुछ ठहराव लगा, बिल्कुल ठहराव लगा, जिसको भी बताया उनको भी ठहराव लगा। तो कितना परसेंट आपको यहाँ पे आपको लगता है कि मेरा काम बना है, ठीक हुआ है, जो भी आपके यहाँ समस्या चल रही है आपको आराम मिला उसमें? ये करीब 99% है। 99% आप कहना निन्यानवे चाहते हैं? परसेंट और है कितना समय हो गया आपको? मेरे को करीबन 2015 जनवरी से स्टार्ट हूँ, मैं जी कंटिन्यू हूँ। तो 6-7 साल, 8 साल हो गए हाँ, आपको। पहले आए थे जब मेरे को आराम लगा तो उसी के 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर मैं यही जुड़ गया। तो आपको केवल दो मैं तीन महीने में सिर्फ, दो हाँ जी तो और कुछ आप बताना चाहेंगे आश्रम के बारे में? आपसे कुछ पैसे लिए गए हो इसके बारे में, आपकी समस्या सॉल्व करने के लिए? नहीं भाई, जब से देखो 2015 में गुरुजी गांव में बैठते थे, हाँ जी हाँ जी ठीक गतौली है। गांव में हाँ, तो वहाँ भी वही था, भोजन जिसको करना भोजन करें, करें पैसे की तो कोई वो था ही नहीं। जी प्रसाद में केले थे, केले के प्रसाद, अब तो वो भी बंद ही कर दिया गुरुजी हाँ ने, जी अब तो वो भी नहीं लेते हैं। हाँ जी तो आज तक कोई पैसा तो लिया नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ दिया ही है। शुरू से ही सेवा भाव रहा है इनका, जब से गांव में बैठते थे, जब से आश्रम बना है तब से कोई पैसा नहीं लिया गया है। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल 2015 से नहीं लिया गया। जी उसके बाद गुरु जी के बारे में जितना पता लगा, गुरु जी का जो है 2009 में नाम दान मिला था। जी उससे पहले हाँ, गुरु जी ये बताते थे कि जितना समय ले रहे हो ना हाँ जी ले लीजिए, आने वाले टाइम में तो दूर खड़े हो गए देखना पड़ेगा। और वो देखा हमने तो। तो हम समस्याओं के बारे में तो सबसे ही बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अध्यात्म के बारे में भी आपने खूब हाँ, इनसे नॉलेज ली है, तो क्या आप उस बारे में बताना चाहोगे? अध्यात्म के बारे में देखिए, हमें गुरु के धाम पे कई बंदे ऐसे मिले थे, जिसमें एक तो ऐसा था हाँ जी जो गुरु जी के शायद 2015 में हमारे साथ ही हमने जब देखा था। हाँ जी और वो करीबन करीबन 5 साल 6 साल में एक बार आता है। जी और वो हमारे शायद यहाँ जितने हमारे अध्यात्म के लिए या गुरु जी के लिए हमसे सबसे ऊपर वो है, ऊपर है, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यू करीबन करीबन 8-9 घंटे नाम जपता है। ध्यान लेते हैं। आप कितना कितनी देर ध्यान लेते हैं? जितना देखिए, गुरु जी ने जो स्टार्टिंग दी थी, उस स्टार्टिंग क्या दी थी, नाम तो लो जितना लो हाँ जी भैया, स्टार्टिंग में 5 मिनट भी नहीं लिया। 5 मिनट मेरे को करीबन करीबन 6 महीने लग गए थे जी समस्याएं बहुत पांच आती मिनट हैं। करने के लिए। हाँ जी आज इतने साल भी होते चले गए, तो मैं ज़्यादा ज़्यादा ये कह लीजिए 15 मिनट या 20 मिनट तक बीस पहुँच। मिनट जी मिसिज को जिसको प्रॉब्लम थी हाँ जी वो 5-5 घंटे कर लेती है, जिन्हें प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा देर वो लेती ज़्यादा हैं। देर करती थी। मैं इसमें नहीं आया था नामदान के लिए, गुरु जी गिरिराज जी जाते थे, जी वाइफ को जो परेशानी के लिए आई थी उनको 3 ही महीने में नामदान वहाँ को गिरिराज जी मिला था। जी मुझे तो आ गया अभी मिला कहीं। तो नाम लेने से क्या कुछ आपको फायदा लगा? बिल्कुल, गुरु जी ने जो बताया था हमें, नामदान भी है, मेरे को दर्शन ज़्यादा हुए गुरु जी के। जी जब भी 15 दिन में बैठते थे गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि करीबन 10 दिन में दर्शन कर लेता हूँ जी आके। दिले मन होगा तभी तो आता हूँगा, नहीं तो मेरे को भी कोई इतना वो नहीं था। जी कोई चीज़ देखी है, कोई चीज़ लगी है,
उसके लिए तो बहुत जरूरी तो है। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हर 10 दिन में मेरे दर्शन करना जरूरी है, या आप किस भाव से आते हैं दर्शन करने? सेवा भाव के लिए, सेवा भाव से आते हैं। सेवा भाव, आपको दर्शन मात्र क्योंकि से मेरे कुछ? को किसी ने जब बताया था, जिसने मेरे को यहाँ पे भेजा था, हाँ जी उसके बाद ये लगा कि मुझे सेवा भाव के लिए जो अपना मन किया, जी सेवा भाव आते कि जो आते हैं जितने के लिए आते हैं, जी भाई किसी का कोई है, कोई पानी पीने की जी सेवा है, बिल्कुल किसी की चेकिंग की सेवा जी। है, कोई भी चीज़ की सेवा है, कोई तो ऐसी सेवा करने के लिए तो काफी आश्रम, काफी धाम है, काफी ऐसी जगह है जहाँ आप गए होंगे, तो आपने वो क्यों नहीं चुना, ये क्यों चुना? दाम का तो देखिए जी, दाम बहुत देखे हैं। हाँ जी मैं तो इतना परेशान था, मैं खुद बता रहा हूँ, हाँ जी जिसने जहाँ बताया, कोई जोत जलाता है, कोई बभूत देता है, हाँ कोई जी कुछ देता, हाँ जी यहाँ आके राम का नाम नहीं लिया जाता इंसानों से, बिल्कुल ठीक कोई बात है ना बभूत है, ना कोई और चीज़ है, ना टोना टोटका है, ना जी। कोई कोई चीज़ है, मतलब कोई नुस्खा कुछ नहीं, भोजन कोई लेकिन कोई वो नहीं, केवल राम का नाम कहते हैं, वो भी सिर्फ लोगों के लिए नाम मुश्किल हो रहा राम है का, या कृष्ण कृष्ण कीजिए या राम का नाम लीजिए, जी। और कोई भेदभाव नहीं, किसी धर्म का हो, कोई चीज़ हो, वाह कोई दिक्कत नहीं। तो राम का नाम लेने से आपको क्या लगता है कि कोई कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ हो रही है, या आप कुछ आपको अजीब लग रहा है? नहीं अजीब तो, जब राम के नाम के एक ही चीज़ कहते हैं, आप राम का नाम लो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, जी गुरु जी ने एक ही चीज़ कही, बाकी मैं कर देखता हूँ, आप परेशानियों से मत घबराओ, तो मतलब वो सिर्फ राम का नाम देते हैं और आपकी समस्याओं का बिल्कुल निवारण करते सिर्फ हैं। राम का नाम लो, जितनी देर ले सकते हो जरूर लो, तो आपको क्या लगता है, राम का नाम लेने से समस्याएं ठीक होती हैं या और भी इसका कुछ फायदा जो है? राम के नाम से, राम के नाम लिखने से पत्थर तैरने लगते हैं, जी तो ये तो समस्या फिर है। भी एक बार कुछ आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्या आपको ऐसा लगता है कि राम का नाम लेने से फायदा है? आपको काफी टाइम हो गया गुरु जी से जुने, तो क्या क्या आपने इनसे सीखा? देखिए राम का नाम लेने से शांतिपूर्वक, जैसे राम का नाम ये नहीं है कि खाली राम 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 राय से जी रहना, जब ध्यान लगाया जाता है ना, तो हाँ जी ध्यान का मतलब ध्यान ही होता ध्यान ही है। होता है। कभी भी देखो, हमने भी देखा जो चीज़ बताई गई हाँ थी, जी हम भी ध्यान लगाते तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, घूमता है दिमाग सारा, विचार नहीं रुकते अलग, हाँ आपके। अलग चले जाते, हाँ जिन्होंने जी अपने विचारों पे, जिन्होंने अपने ध्यान पे, हाँ जी तो वो किया। लेकिन एक राम का नाम, ये भी तो देखा जाता है ना, किसने दिया जी राम के लिए, तो दुनिया घूम रही है, जी ये थोड़ी है कि चोला पहन लिया तो राम के वो बन गए या जी कोई चीज़। जी आप कह रहे थे जैसे आपने पूछा, और भी बहुत दाम है, जी और बहुत दामों में किस में है जो 15 दिन बैठ के आमने सामने गुरु बहन मिलते हैं, जी तो आप कह रहे हैं कि राम का नाम तो हर कोई ले सकता है, लेकिन दिशा दिखाने के लिए दिशा गुरु दिखाने के गुरु लिए जरूरी है, तो आपने इन्हें गुरु गुरु चुना? भी, गुरु भी वो होना चाहिए जो पूर्ण वो हो हाँ जी हाँ गुरु, जी तो उनके लिए भी जरूरी तो आपने इन्हें ही गुरु क्यों चुना? गुरु। जो मैं इतने दिनों से समस्या में हूँ, उलझा हुआ जी था, तो चलो मैं गुरु का नाम लेके जो जाता, इतने दिनों से मैं समस्या में उलझा हुआ था, कौन सा ऐसा दर नहीं था जान नहीं लेके नहीं गया, लेके गए। वो भी तो गुरु ही होंगे जो हाँ जी अपनी हाँ जी जोत लगाते, वो भी तो गुरु, जी हर किसी ने ये बनाया वो बनाया जी उस समस्या में, या पत्नी मैं ही तो खड़ा था ना, जी अब जी जब आके उसकी समस्या जोने में गए, तो जी उनके तो गुरु थे ही थे, जी जी मैंने गुरु तो यही तो बात थी ना, कि एक चीज़ ना तो कोई पैसा लिया, हाँ जी ना कोई बभूत दी, हाँ जी एक सीधा राम का नाम का, नहीं पता हमें राम का नाम लिया कैसे जाता है, जी तो आप ये तो कहना चाहते हैं कि गुरु काफी हैं, लेकिन हाँ ये सिर्फ समस्याओं का निवारण नहीं करते, ये काफी जिंदगी को भी जीना सिखाते हैं कि बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल, हमारा महत्व क्या है। गुरु काफी है ये हम सोचते हाँ हैं, जी अगर ध्यान से देखा जाए, गुरु से गुरु मिलाएं, हाँ जी या कोई गुरु से पूछे ना कितने गुरु हैं, हाँ तो जी देखेंगे तो दुनिया में बहुत ही बहुत कम गुरु मिले हैं, हैं, बहुत, लेकिन जो पूर्ण गुरु होंगे पूर्ण बहुत कम बहुत मिलेंगे सीमित हैं। ना। कभी ये कहते, हमें तो ये भी सिखाया गया है कि गुरु ये कहते ना किसी की निंदा करो, नहीं करो ना कोई भी है भाई गुरु है, जी हर एक का मार्ग अलग अलग वो होता जी है, मेरी समस्या का समाधान श्री गोविंद धाम पे मिला। जी तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि आपके एक्सपीरियंस से आपको कैसा लगा? आप उन्हें कहेंगे कि आओ यहाँ मिलो गुरुजी से? एक्सपीरियंस मैंने देखो ये देखा था कि बोलते हैं हम सभी, हाँ जी अरे ऐसे बहुत गुरु घूमते हैं, हर कोई कहता है, हाँ जी गुरु ने ये भी बताया था कि कोई बात नहीं, किसी पे ज़्यादा करने की प्रेशर की जरूरत ही नहीं है, जी इस दर का पता उसको अपने आप पता बिल्कुल लगेगा, और बिल्कुल ये मेरे खुद देखा हुआ है, जी जिनको चलो अब तो आज तो आए नहीं, या कोई भी आते हैं जब भी, उनसे पूछ के देखना 2 ही दिन में उनके साथ क्या क्या हो गया, दो सिर्फ ये चीज़ के लिए बिल्कुल मैं हूँ, मैं इस चीज़ के लिए, सेवा के लिए, इस गुरु के लिए, या गुरु का इतना धन्यवाद करता हूँ, कोई आना चाहता है तो मैं गाड़ी से लेके भी आऊँगा उसको, जी वापस भी छोड़ भाई दूंगा आप भी सेवा बगैर भाव उसके से सेवा भाव से, बिल्कुल बिल्कुल रही उसके बाद, जिसको ये शंका लगती है कि कोई बात नहीं भाई आप आइए, जी हम गुरु का जो दिया हुआ प्रसाद समझ के खाते हैं, मिठाई समझ के खा बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल भोजन है हम प्रसाद समझ के लेते हैं, आप रोटी समझ के खा लीजिए,
तो इतना यहाँ आश्रम पे काम होता है, इतने लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है, सेवा होती है, बिजली पंखे लगा रखे हैं लोगों के लिए, गद्दे बिछा रखे हैं लोगों के लिए, तो बिल्कुल इतना सब पैसा आपसे लिया भी नहीं जा रहा नहीं और लिया। ये व्यवस्था भी की जा रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए, जो गुरु पैसे के लिए या दान ये सोचे कि हमारी पर्ची कटी जाए या वो करी हाँ जाए, जी, या कोई ऐसी चीज़ नहीं कोई है। किस प्रकार का हमारे काम है? गुरु जो ज्ञान देते हैं, जो समस्या से निवारण करते हाँ हैं, जी उसके लिए उनका अपना काम ठीक है, अपने आप पे डिपेंड है। बिजनेस है उनका, जी बिजनेस करते जी हैं, कोई भी चीज़ हम भी करते जी हैं, हमारे जिसमें चीज़ में प्रॉफिट लगे हम उसमें हिस्सेदार बनेंगे। जी तो उनके भी अपने अपने काम है, खेती का काम हाँ है, जी जमीन है, जमीन से अन्न आता है, जी बाकी और भी चीज़ें गुरु जी के पेट्रोल पंप भी हाँ हैं जी या कोई और चीज़ें, हर तरीके से उनकी इन्वेस्ट जो आती है ना खर्चा, जी सिर्फ वो तो अपने गुरु के मतलब उस पर चलते हैं। उन्होंने अपने घर खर्चे ही जो जो खुद की कमाई है वही उन्होंने समर्पित कर रखी जी है बिल्कुल लोगों के बिल्कुल, ऊपर। अपने ही काम धंधे बिजनेस से जो भी चीज़ हाँ आती जी हाँ है जी उसी से वो आता है। जी चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अजय अच्छा सर, गाइड आपका किया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जो मुझे बताने के लिए इतना मौका मिला है। धन्यवाद जी।